नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ जीरा राइस। तो आइए देखिए जीरा राइस कुकर में कैसे बनता है। बहुत ही आसानी से आप इस राइस को कुकर में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार कुकर में बना के ज़रूर देखें, बहुत ही खिला खिला बनता है। तो हमारे जीरा राइस की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी लाएं आप देख पाएं। ये देख लेते हैं कि कुछ चीजें मैंने ली है जीरा राइस बनाने के लिए, तो इसमें क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल लिया है और इस चावल को मैंने 15 से 20 मिनट भिगा के और अब उसका पानी निकाल लिया है। आप जब भी चावल बनाएं या जीरा राइस बनाएं तो जरूर थोड़ी देर पहले भिगा लें। और इस ग्लास से मैंने एक ग्लास चावल लिया है, तो इसी ग्लास से मैं इस चावल में 1.5 गिलास पानी डालूंगी। आप इस रेशियो को जरूर ध्यान में रखिए कि जिस बर्तन से आप चावल लेते हैं उसी बर्तन से 1.5 गुना पानी डालिए, फिर आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो इसके जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। क्योंकि जीरा राइस है तो यहाँ पे जीरा मैंने 1 चम्मच लिया है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। उसके बाद मैंने लिया है बारीक कटी हुई एक प्याज, और ये ले लिया है मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें जो बीच से कट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने धनिया ली है, इसके अलावा मैंने लिया है नमक। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख लिया है कुकर गैस पे और गैस को ऑन कर लिया है। कुकर हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी घी, यानी देसी घी। और घी को हम थोड़ी देर गर्म होने देते हैं और जैसे हमारा घी गर्म होगा तो हम डाल देंगे इसमें जीरा। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है। इसके बाद मैं डाल दूंगी जीरा, जो 1 चम्मच जीरा मैंने लिया था वो जीरा डाल दिया है। और देखिए अब हमारा जीरा थोड़ा सा चटकने लगा है, तो मैं एक बार इसे चला लेती हूँ ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भी एक बार तेल में अच्छे से चला लेते हैं। इसी के साथ मैं डाल दूंगी हरी मिर्चें जो मैंने बीच से कट करके रखी थी। मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। आप नहीं पसंद करते हरी मिर्च या तीखा नहीं पसंद करते तो ना लें, पर इससे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है राइस। और ये देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला लिया है और अब हमारी प्याज, हरी मिर्च, जीरा सब कुछ पक चुका है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी जो मैंने धो के रखा था चावल, वो चावल में डाल दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे डाल देंगे चावल। उसके बाद मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी, तो 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है और 1/2 गिलास पानी मैं और डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और अच्छे से इसे चला लिया है। उसके बाद मैं डाल देती हूँ नमक। नमक ऑप्शनल है पर नमक डालने से जीरा राइस बहुत अच्छा लगता है, आप बिना किसी सब्जी के भी खा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है ढक्कन, और ढक्कन लगा के मैं इसे 1 सीटी आने तक पकने दूंगी। फुल गैस की फ्लेम फुल है और 1 सीटी आ चुकी है और अब मैंने बंद कर लिया है गैस को। अब मैं इसे 5 मिनट तक ऐसे ही 5 मिनट तक या फिर तब तक जब तक सीटी इसकी अपने आप ना निकल जाए। अब मैं यहाँ पे खोल के देख लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा खिला खिला जीरा राइस बन के तैयार है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया और इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं इसे फिर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी क्योंकि अभी बहुत गर्म है और थोड़ी सी भाप इसकी निकलने के बाद ये बहुत ही खिला खिला हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुका है और मैं अब जीरा राइस को सर्व कर लूँगी। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा जीरा राइस बन के तैयार है, तो मैं यहाँ पे सर्व कर ले रही हूँ। आप फटाफट जीरा राइस बना लें, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान दें कि जब हमारा कुकर सीटी दे लेता है तो हमें सीटी को तुरंत नहीं खोलना है, थोड़ी देर तक इंतज़ार करना है, यानी सीटी बिल्कुल जब तक अपने आप ना निकल जाए कुकर को नहीं खोलना है। और ये देखिए जो कुकर में भी है वो भी बिल्कुल खिला खिला है। पे देखिए मैंने अपने जीरा राइस को सर्व कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना टेस्टी दिख रहा है, यानी बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही अच्छा। आप इसे राजमा से खाएं, दाल से खाएं, छोले से खाएं या फिर किसी पनीर की अच्छी सी सब्जी से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने इस जीरा राइस में नमक भी डाला है तो आप बिना किसी सब्जी के भी बहुत अच्छे से इसे खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है ये। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।